जम्मू के रियासी जिले के शिवखोड़ी धार्मिक स्थल से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर घात लगाकर आतंकियों द्वारा हमला कर दिया गया। आतंकियों की गोलीबारी के बाद बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई। हमले के विरोध में मुरादाबाद में इंपीरियल तिराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका और इस आतंकवादी घटना में सभी स्वर्गवासी श्रद्धालुओं के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अमित गुप्ता, महानगर मंत्री अविनाश गुप्ता, गौरव कश्यप, जयदेव यादव, महानगर सहसंयोजक अक्षत मल्होत्रा, सोनू कुमार, अश्विनी सूद आदि उपस्थित रहे। मुरादाबाद से कुणाल चंद्रा की रिपोर्ट। अभिनव भटनागर, महानगर संयोजक बजेंद्र। क्या प्रदर्शन किया गया आपके द्वारा? आज विश्वंदु परिषद बजेंद्र के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो आपने अभी देखा है कि 9 तारीख को जिस दिन केंद्र सरकार की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उस दिन जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद द्वारा एक बस के ऊपर जो तीर्थयात्री वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे शिवखोड़ी के पास, उस पर आतंकवादियों द्वारा अनोन फायरिंग कर दी गई। उसमें 10 तीर्थयात्री मारे गए, ड्राइवर मारा गया है, 2 साल का बच्चा मारा गया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। इसमें 2 साल का बच्चा मारा गया है। ये इस तरीके की नापाक हरकतें पाकिस्तान करने से बाज आए और हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, हम उनसे मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को निर्देश करे कि सख्त आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कहाँ पर पुतला भुगाया? आज इंपीरियल चौराहे पर हमने पुतला भुगाया।